राज्यपाल हरिभाऊ किसन राव बागड़े ने कहा कि कृषि क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और इसमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। राष्ट्रपति ने आज जोबनेर के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 12वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे जलवायु परिवर्तन से फसलों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचने की तकनीक को विकसित करें। इस अवसर पर राज्यपाल ने कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकादमी ब्लॉक का भी लोकार्पण किया। डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज का जो नया भवन बना है उसका माननीय राज्यपाल महोदय ने लोकार्पण किया, और लोकार्पण ही नहीं किया बल्कि माननीय राज्यपाल ने वहाँ की क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम और जो लेबोरेटरी उनको भी देखा और बच्चों के साथ क्लास में इंटरेक्शन भी किया, कई इंटरेस्टिंग सवाल भी बच्चों से पूछे और लेबोरेटरी के अंदर जो साइंटिस्ट से इंटरेक्शन किया, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो और किन किन प्रोडक्ट्स पर और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है भविष्य में दुग्ध और दुग्ध दूसरे जो है ना उन चीज़ों से बने हुए, और साथ साथ फिर महामहिम ने जो हमारा प्लांटेशन का जो कार्यक्रम था वृक्षारोपण का वो भी जो है ना बड़े अच्छे से किया और उस पर भी काफ़ी समय दिया, पूरा देखा विस्तृत रूप से कितने पौंड है, किसकी क्या कैपेसिटी है, बॉटम लाइनिंग की बात की, उनको पूरा ज्ञान था क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और किसान और खेती से जुड़े हुए हैं, तो उस रूप में उन्होंने पूछा कि क्या लाइफ है आपका जो ये बॉटम लाइनिंग करवाई है आपने जो है ना ये सीट से जियो मेम्ब्रेन सीट, और जो है ना आप ग्राउंड रिचार्ज भी करते हैं या सिर्फ हार्वेस्ट करके पानी को उपयोग करने की बात करते हैं। तो हमने बताया महामहिम हम तीनों काम कर रहे हैं, वर्षा जल संग्रहण भी कर रहे हैं, ग्राउंड रिचार्ज भी कर रहे हैं, कच्चा पौंड है उसमें पानी जाता है तो सीधा ग्राउंड में जाता है, और साथ साथ हम रिसाइकल भी कर रहे हैं।